की इस वीडियो में हम आपको मद्रास कट ब्लाउज की कटिंग बताएंगे, वो भी डायरेक्ट कपड़े के ऊपर में। तो बहुत से लोग इसे चार्ट पेपर या पेपर में कटिंग करते हैं, जिससे आपको सही जानकारी नहीं पता चलती है कि कौन सा पार्ट्स हम किस तरफ से निकालें, इसलिए हम इसे डायरेक्ट कपड़े के ऊपर में ही काटेंगे। तो सबसे पहले हम आपको मेजरमेंट बताते हैं कि मेजरमेंट हमारा कितना है। लंबाई हमारी है 14 इंची, छाती है 35 इंची, कमर है 31.5 इंची, तीरा है 10 इंची, हाथ की लंबाई है 3.5 इंची और इसकी मोहरी है 12 इंची। अब हम गले के बारे में बता देते हैं। गला हमारा आगे का है 6 इंची और पीछे का है 10 इंची। तो ये हमारा मेजरमेंट है। तो एक बात हम आपको और बता देते हैं कि ये मेजरमेंट हमने शरीर के नाप से लिया है, तो इसमें हमारी 3 इंची छाती में लूज पड़ेगी और कमर में 1/2 इंची लूज पड़ेगी। तो जैसे हमारी छाती है 35 इंची, तो 35 इंची में हम 3 इंची लूज देंगे तो ये हमारी हो जाएगी 38 इंची। तो 38 इंची छाती के हिसाब से ही हम ब्लाउज की कटिंग करेंगे। अब बताते हैं कमर। कमर हमारी है 31.5 इंची, तो इसमें हम 1/2 इंची लूज देंगे तो ये हम 32 इंची के हिसाब से कमर की कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि कपड़ा हमने ये 75 सेंटीमीटर का लिया है, तो इसे हमने डबल लेयर में इस तरीके से बिछाया है। तो देखिए दोस्तों, इधर हमारा खुलने वाला हिस्सा है और इधर हमारा बंद वाला हिस्सा है। तो इसमें हम किस तरीके से ब्लाउज की कटिंग करेंगे आप अच्छे तरीके से समझ लें। तो सबसे पहले हम पीछे के पल्ले को काटेंगे और उसके बाद में हम सामने के दो पार्ट को, जो दो पल्ले हैं वो काटेंगे, और फिर उसके बाद में हम हाथ की कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम नीचे में सीधा मार्क लगाएंगे। अब हम 1 इंच की यहाँ पर मार्जिन देंगे। तो दोस्तों 1 इंच का हमने यहाँ पर मार्क लगा दिया है। अब हम आपको बताते हैं कि हमारे ब्लाउज की जो लंबाई है वो है 14 इंची, 1/2 इंची हम ऊपर की मार्जिन रखेंगे दबने के लिए। तो यहाँ पर हम 14.5 इंची में इंची टेप को रखेंगे और यहाँ पर हम मार्क लगाएंगे। अब हम आपको बता देते हैं कि 38 इंची साइज में आप आर्म होल को 5.5 या 6.25 इंची में दे सकते हैं। तो हम यहाँ पर 5.25 इंची में आर्म होल का मार्क लगाएंगे। इंची टेप को हमें इसी तरीके से रखे रहना है, कहीं पर हिलाना नहीं है। तो अब हम पीछे गले का मार्क लगाएंगे। तो पीछे गला हमारा है 10 इंची, तो 10 इंची में यहाँ पर मार्क लगाना है। अब सभी मार्क को हम सीधा करेंगे। तो ये हमारा गले का मार्क है, इसे हम ज़्यादा दूर नहीं लेकर जाना है मार्क को, बस इतनी ही दूर लगाएंगे। अब हम आपको बता देते हैं कि ऊपर से हम गले की जो चौड़ाई देंगे वो देंगे 2.25 इंची। तो 2.25 इंची हम यहाँ गले के ऊपर की चौड़ाई देंगे और नीचे से हम इसकी चौड़ाई देंगे 2.75 इंची। अब इस मार्क को इस मार्क से मिला देंगे। और यहाँ पर हम इसकी गोलाई देंगे। आपका जिस शेप में गला है उस शेप में आप इसे दे सकते हैं। तो देखिए ये हमारा तीरे का मार्क है, यहाँ पर हम 2 से 3 पॉइंट डाउन देंगे। तो इंची टेप से हम 3 पॉइंट में मार्क लगाएंगे और स्केल से हम इसे डाउन देंगे। अब हम आपको बता देते हैं कि हमारी छाती जो तैयार थी वो थी 38 इंची। तो 38 इंची का हम यहाँ पर चौथाई लेंगे, जो कि हमारा 9.5 इंची होगा। तो गले के नीचे हम इंची टेप को इस तरीके से रखेंगे 9.5 इंची में। तो इस जगह में हमें इंची टेप को 9.5 इंची में रखना है और यहाँ पर हम मार्क लगाएंगे। अब हम कमर का मार्क लगाएंगे। तो कमर हमारी है 32 इंची, तो 32 इंची का हम यहाँ पर चौथाई लेंगे, जो कि हमारा 8 इंची आएगा। और 8 इंची में हम 1/4 इंची टक्स की मार्जिन देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 9.5 इंची। तो 9.5 इंची में यहाँ पर मार्क लगाएंगे। अब इस मार्क को सीधा करेंगे, इस मार्क से मिलाएंगे और 1.5 इंची हम साइड की मार्जिन देंगे ब्लाउज की। अब हम टक्स का भी मार्क लगा देते हैं। तो टक्स का मार्क हमें किस तरीके से लगाना है, तो इस मार्क से यहाँ तक का नापेंगे, जितना हमारा आ रहा है उसका हम आधा लेंगे। तो ये हमारा आ रहा है 9.5 इंची, तो 9.5 इंची का आधा आएगा हमारा 4.5 से 1 पॉइंट कम। तो यहाँ पर मार्क लगाएंगे
और टक्स की जो लंबाई देंगे वो 3.25 इंची लंबाई में टक्स की लंबाई देंगे। तो ये हमारा टक्स का मार्क लग गया है। तो जितनी हमारी मार्जिन दी है 0.25 इंची मार्जिन दी है, तो 0.25 इंची मार्जिन को हम हाफ हाफ कर लेंगे दोनों तरफ से। तो यहाँ पर हमें टक्स को इस तरीके से मार्क को लगाना है। तो ये हमारा टक्स का मार्क लग गया है। अब हम ऊपर की तरफ आते हैं तीरे की तरफ। तो तीरा हमारा है 10 इंची, तो 10 इंची का हम यहाँ पर आधा लेंगे जो कि हमारा 5 इंची होगा। तो 5 इंची में मार्क लगाना है और 0.5 इंची का हम यहाँ मार्जिन देंगे दबाव के लिए। तो इसे भी हम सीधा करेंगे। तो इसे हमने सीधा कर दिया है और यहाँ पर हम 1 इंची का मार्क लगाएंगे और इसी मार्क से हम यहाँ पर इसकी गोलाई देंगे। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से हमारा ये मार्क आ जाएगा। फिर से दिखा देते हैं, 1 इंची का हमारा ये मार्क आ गया और यहीं से हमने इसकी गोलाई दे दी है। अब इस कोने से हम 1.25 इंची में एक मार्क और लगाएंगे और यहाँ से हमारी पीछे पल्ले की गोलाई होगी। यह हमारे सामने पल्ले की गोलाई होगी और ये हमारे पीछे पल्ले की गोलाई होगी। तो ये हमारे पीछे पल्ले का मार्क लग गया है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो हमें इस मार्क से कटिंग नहीं करनी है, हम पीछे पल्ला काट रहे हैं तो इस मार्क से हम इसकी कटिंग करेंगे इधर वाले मार्क से। तो देखिए दोस्तों, हमारा पीछे का पल्ला इस तरीके से हमने इसकी कटिंग कर ली है। और अब हम आपको बता देते हैं कि कटिंग को हम और आसान करने के लिए पीछे पल्ले में ही सामने पल्ले के 2 पार्ट के मार्क लगाएंगे। तो एक तो हमारा नीचे की पट्टी का मार्क हो जाएगा और एक हमारा ऊपर की बॉडी का मार्क हो जाएगा। तो किस तरीके से लगाने हैं आप अच्छी तरीके से समझ लें। तो देखिए दोस्तों, वीडियो थोड़ी लंबी होगी लेकिन वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको एक बार में ही सही समझ में आ जाएगा। तो इस जगह से हम आपको दिखाते हैं, इस जगह से ऊपर से हम 12.5 इंची में एक मार्क लगाएंगे और इसे हम सीधा करेंगे। तो देखिए दोस्तों, फिर से हम आपको बता देते हैं कि ऊपर से हमने 12.5 इंची में एक मार्क लगाया है और इसे हमने इस तरीके से सीधा कर दिया है। अब हम इस मार्क से 1.25 इंची में एक मार्क और लगाएंगे और यहाँ पर हम इसकी गोलाई देंगे। तो देखिए दोस्तों, ये हमारे सामने पल्ले की नीचे की पट्टी इस जगह से इसी शेप से निकलेगी। अब हम ऊपर की बॉडी का मार्क लगाते हैं जो कि हमारी सामने वाली बॉडी का मार्क होगा। तो ऊपर से हम गले की पहले लंबाई लेंगे। तो गले की लंबाई हम यहाँ पर लेंगे 6 इंची। तो आगे गला हमारा था 6 इंची, तो 6 इंची हम यहाँ पर लंबाई लेंगे। इसे हम सीधा करते हैं और यहाँ पर हम इसकी गोलाई देते हैं। तो दोस्तों, इसी तरीके से आप नीचे की पट्टी का और गले का मार्क पीछे पल्ले में ही लगा लें ताकि आपकी कटिंग करने में किसी तरीके की दिक्कत ना हो, काफ़ी इजी तरीके से कटिंग हो जाए। अब हम सामने पल्ले को किस तरीके से निकालेंगे वो आप अच्छी तरीके से समझ लें। तो देखिए दोस्तों, ये हमारा कपड़ा है। तो देखिए दोस्तों, ये हमारा कपड़ा है। तो इसमें हम सबसे पहले सामने पल्ले को निकालेंगे। तो हमें सामने पल्ले को जब भी निकालना है वो हमें उरेब निकालना है। तो इसे हम इस तरीके से यहाँ पर बैठाएंगे। तो देखिए दोस्तों, गले को हमने यहाँ पर इस तरीके से बैठाया है और ये हमारा उरेब हो गया है। इसे और अच्छी तरीके से उरेब करते हैं, बहुत से इसे क्रॉस बोलते हैं और बहुत से इसे उरेब बोलते हैं। तो इस तरीके से हमें इसे बैठाना है। अब हम यहाँ से 1 इंची का मार्क लगाएंगे और इस गले के पास में इसे मिलाएंगे। तो यह हमारा सामने पल्ले का गला है, तो यहाँ पर लाकर हम इसे मिलाएंगे। इस तरीके से हम यहाँ पर मार्क लगाएंगे और ये जो हमारा मार्क है इसके हिसाब से हम एक मार्क और लगाएंगे। तो ये जो हमारा गोलाई वाला मार्क है इसी के हिसाब से हम ये मार्क लगाएंगे।
अब हम आपको बताते हैं कि 1 इंची हमने इस तरफ बढ़ाया है तो 1 इंची हम उस तरफ भी बढ़ाएंगे। अब इसे हम ऊपर से मिलाएंगे। अब ये जो हमारा मार्क है इसी के हिसाब से हम नीचे पल्ले में मार्क को उठाएंगे। तो देखिए दोस्तों, इसी मार्क के हिसाब से आपको उठाना है। ये वाला जो हमारा मार्क नज़र आ रहा है इसी के हिसाब से आपको ये मार्क उठाना है। और बाकी हम यहाँ पर गले की भी कटिंग करते हैं। गले के हिसाब से ही हम नीचे भी मार्क उठाएंगे। इधर भी हम इसकी कटिंग करेंगे। पीछे पल्ले के हिसाब से ही इसका मार्क उठाना है। तो इस तरीके से हमने मार्क उठा लिया है। तो इस तरीके से हमने ये मार्क उठाना है। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से हमने ये मार्क उठा लिया है। अब हम इंची टेप को लेंगे और यहाँ से हम 3.5 इंची में मार्क लगाएंगे और 1 इंची हम ऊपर में टक्स के लिए मार्क लगाएंगे और इसी मार्क से हम 1.5 इंची एक मार्क और लगाएंगे नीचे की तरफ। तो ये मार्क हमने लगा दिया है और इस मार्क से हम 1/2 इंची एक मार्क और लगाएंगे। इसी तरीके से आपको 1/2 इंची मार्क इस तरह भी लगाना है। अब इस मार्क को हम मिलाएंगे। अब इस टक्स को हम नीचे तक लेकर जाएंगे। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से हमारा मद्रास कट का शेप लग गया है। अब हम इस दोनों के बीच में हम नापेंगे कितना आ रहा है। ये हमारा आ रहा है 5.5 इंची। तो 5.5 इंची का हम यहाँ पर आधा लेंगे और उससे हम 1 इंची नीचे में मार्क लगाएंगे। तो यहाँ दोनों का मिडिल पॉइंट का आधा लेना है और 1 इंची हम नीचे में मार्क लगाएंगे। अब हम इसे इस तरीके से सीधा करेंगे और यहाँ पर हम एक मार्क और लगाएंगे। अब हम इधर से 2 इंची में एक मार्क लगाएंगे और इसका भी हम यहाँ पर 1.5 से 2 इंची हम क्रॉस करके मार्क लगाएंगे। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से हमें क्रॉस करना है। तो इधर भी हमारा क्रॉस होगा और इधर भी हमारा क्रॉस होगा। तो आप अच्छी तरीके से समझ लें, यहाँ पर हमारी छाती तैयार रहेगी। तो इसलिए हमें यहाँ पर क्रॉस करना है इसी के हिसाब से। अब हम इस मार्क को इस मार्क से नीचे वाले मार्क से मिलाएंगे। तो इस तरीके से हम मार्क लगाएंगे। एक मार्क हम आरमोल के बीच से लगाएंगे। तो ये मार्क हमें ज़्यादा लंबाई में नहीं देना है। तो ये हमारा आरमोल का मिडिल पॉइंट हो गया। तो यहाँ पर हमने 3 इंची में एक मार्क लगा देना है। अब हम आपको बताते हैं कि यहाँ पर आपको 2 पॉइंट का टक्स लगाना है। 2 पॉइंट का टक्स लेना है और यहाँ पर हम टक्स की जो चौड़ाई देंगे वो देंगे 2 इंची। 1 इंची हम इधर मार्क लगाएंगे और 1 इंची हम इधर मार्क लगाएंगे। अगर आपकी छाती ज़्यादा रहे तो आप 2 से 2.5 इंची चौड़ाई में भी टक्स की चौड़ाई दे सकते हैं। तो इसे हम इस तरीके से मिलाएंगे। इधर भी मिला दें ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए कितना कितना हमने मार्क दिया है। इधर भी हम 1/2 इंची का मार्क लगाएंगे। दो दो तीन तीन पॉइंट का मार्क आप लगा कर मिला दें। अब हम इसकी कटिंग करेंगे।
तो देखिए दोस्तों, ये हमारा सामने का पल्ला निकल गया है मद्रास कट का। अब हम नीचे की पट्टी निकालेंगे। तो नीचे की पट्टी हमें किस तरीके से निकालनी है, तो ये हमने पीछे पल्ले में नीचे की पट्टी का मार्क लगाया था, इसी के हिसाब से हम नीचे की पट्टी को निकालेंगे। तो हम आपको पहले इस भाग को हटाते हैं। तो अब हमें ये भाग को अच्छी तरीके से रखना है, क्योंकि हम इसमें हाथ की कटिंग करेंगे और अब हम नीचे की पट्टी इस भाग से निकालेंगे। तो इसे हम इस तरीके से बिछाएंगे। तो नीचे में हमें हाफ इंची की मार्जिन लेकर इसे बिछाना है और इसी के हिसाब से हम ये मार्क लगाएंगे। तो देखिए दोस्तों, वीडियो थोड़ी लंबी होगी, लेकिन आप पूरी देखें ताकि सही जानकारी आपको मिल सके। तो इस तरीके से हमने ये मार्क लगा दिया है और यहाँ पर हम इसकी गोलाई दे देते हैं। इसे भी काट देते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये हमारा कपड़ा बचा है, इसे हम रख लेते हैं। तो ये हमारे नीचे की पट्टी इस तरीके से कट जाएगी। अब हम पीछे वाले गले की भी कटिंग कर देते हैं। तो ये हमारी पीछे वाले गले की कटिंग हो गई है और ये हमारी नीचे की पट्टी की कटिंग हो गई है और ये हमारे सामने पल्ले की कटिंग हो गई है। अब हम हाथ की कटिंग करेंगे। तो ये हमारा कपड़ा बचा है जिसमें हम हाथ की कटिंग करेंगे। तो ये कपड़ा हमारा डबल लेयर में है और इधर गुलाई वाला पल्ला है। तो हमारे हाथ की जो लंबाई है वो है 3.5 इंची और 1/2 इंची हम ऊपर की मार्जिन लेंगे दबने के लिए। तो 4 इंची में यहाँ पर मार्क लगाएंगे। अब इसे हम सीधा करेंगे। 1 इंची के नीचे की मार्जिन हो गई। अब हम आपको बताते हैं कि मोहरी हमारी है 12 इंची। तो 12 इंची का हम यहाँ पर आधा लेंगे, जो कि हमारा 6 इंची होगा। तो 6 इंची में मार्क लगाएंगे। अब हम ऊपर से 2.25 इंची में मार्क लगाएंगे। इसे सीधा करेंगे और ये जो हमने 12 इंची में मार्क लगाया है, इस मार्क से हम 1 इंची आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा 7 इंची। तो 6 इंची हमने यहाँ मार्क लगाया है, 1 इंची हम ऊपर में 1 इंची हम यहाँ पर ऊपर में लूज देंगे आर्म होल के। तो यहाँ पर हम 7 इंची में मार्क लगाएंगे और इसे हम यहाँ से मिलाएंगे इस तरीके से। और यहाँ से हम हाथ की गोलाई देंगे। तो देखिए दोस्तों, ये हमारा हाथ का मार्क लग गया। अब इसकी हम कटिंग करेंगे। तो 1.5 इंची के साइड में मार्जिन रख लें। तो इधर 1.5 से 1.25 इंची की मार्जिन हमने रखी है साइड की। यहाँ कट दे दें, यहाँ भी कट दे दें और इसे हम इस तरीके से खोलेंगे और यहाँ पर सामने की तरफ इस शेप में कटिंग कर देंगे। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से हमने इसकी कटिंग कर दी है। थोड़ा सा कपड़ा हमने इस तरीके से निकाल लेना है। तो ये कपड़ा हमने 1/2 इंची का निकाला है। अब हम इसी को बैठा कर दूसरी बाजू भी कटिंग करेंगे। ये दोस्तों, ये हमारे हाथ की कटिंग हो गई है। अब हम सामने पल्ले को लेंगे। तो हम इसमें एक चीज़ करना भूल गए हैं दोस्तों। तो ये हमारा सामने का पल्ला है। तो यहाँ से हम 1/4 इंची एक मार्क लगाएंगे और यहाँ से हम इसे मिलाएंगे। तो इस तरीके से हम गोलाई में मिलाएंगे और इसकी हम कटिंग करेंगे। तो देखिए दोस्तों, ये हमारे सामने पल्ले की कटिंग हो गई है। तो दोस्तों, एक चीज़ आप और ध्यान देनी है कि बहुत से लोगों का ब्लाउज में गला गिरता है। तो गला गिरने की स्थिति में आप 2 या 3 पॉइंट यहाँ पर डाउन दे दें।
इधर भी डाउन दे दें और सामने पल्ले में भी डाउन दे दें। तो दोस्तों ये हमारे ब्लाउज की, पूरे ब्लाउज की कटिंग हो गई है। तो दोस्तों ये ब्लाउज की कटिंग आपको कैसी लगी ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।